नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बेगूसराय खगड़िया स्थानीय प्राधिकार एमएलसी चुनाव के नॉमिनेशन भी हो चुके हैं और फागुन का माह भी है। धीरे धीरे जिस तरीके से होली के रंग चढ़ने लगे हैं तो चुनावी रंग भी चढ़ने लगे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लगातार दो बार से एमएलसी रह चुके और निवर्तमान एमएलसी हैं रजनीश कुमार जी, जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं कि आखिरकार दो बार से लगातार एमएलसी पद पर बने हुए हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में है, कैसे कैसे इस बार जो है चुनावी रंग में एक घुल रहे हैं, ये इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे रजनीश जी से। सर, सबसे पहले बोलता हूँ आपका स्वागत है। धन्यवाद। होली का भी जो है फागुन का माह है, फगवा का तो रंग चढ़ाई है, तो क्या चुनावी रंग में भी पूरा रंग है? स्वाभाविक है। इस बार का जो विधान परिषद का जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, कोरोना के कारण विलम्ब हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मौसम है इस बार का चुनाव का, तो एक तो उत्साह और उमंग का मौसम है, होली है, बसंत है, और इस उत्साह और उमंग में जब चुनाव का माहौल हो तो उसमें एक अलग ही रंग, एक अलग ही उमंग लोगों के मन में जगता है। और ये तो चुनाव पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव है, उसमें वो भाग लेते हैं, कार्यकर्ता इसके लिए लगते हैं, तो जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि होली का जो उत्साह है और चुनाव का उत्साह, दोनों मिल करके एक दुगुना उत्साह के साथ कार्यकर्ता और प्रतिनिधि इसमें लगे, तैयारी जो है जोर शोर से अब करने लगे हैं और लगातार आप दो बार से हैं भी। आप संक्षिप्त में बताइए कि आखिरकार दो टर्म जब आप रहे हैं तो कितना आप जनप्रतिनिधियों के काम आ चुके हैं? देखिए, मैं जब जीत करके आया था पहली बार 2009 में, तो मैं उस समय सीधे एमएलसी नहीं बना था, मैं स्वयं जिला परिषद का सदस्य रहा 2006 में, और जिला परिषद सदस्य रहने के कारण मुझे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो उस समय जो कमियां थी, जो खामियां थी, जो परेशानियां थी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, वह स्वयं मैंने भोगा है, मैंने महसूस किया था। और जब मुझे 2009 में अवसर मिला बिहार विधान परिषद जाने का, तो हमने उन सारी बातों का सदन के अंदर विभिन्न माध्यमों से हमने सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का काम किया। आपको याद होगा, और मैं इस बात की चर्चा बराबर करता हूं, कि जो सबसे बुनियादी सदस्य थे वार्ड सदस्य, उनकी क्या स्थिति थी? केवल वो चुनाव जीत करके आते थे, 5 साल उनका कब पूरा हो जाता था पता भी नहीं लगता था, कोई भी काम वो नहीं कर सकते थे, केवल मुखिया जी के यहाँ रजिस्टर पर दस्तखत करने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं था। और हालात ये उसमें होता था कि अब जो हम वार्ड सदस्य एक बार बन जाते थे तो फिर वो दोबारा लड़ना चुनाव नहीं चाहते थे, और उनकी बड़ी मांग थी। ऐसा इसलिए था कि उनकी उनके पास काम करने का जो एक प्रतिनिधि को रहता है, हर प्रतिनिधि को, चाहे सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, पंचायत समिति भी कुछ ना कुछ काम अपने क्षेत्र में करते थे, लेकिन वार्ड सदस्यों को कोई अधिकार नहीं था, और ये उनकी बड़ी मांग थी। और जब 2009 में हम चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी उन लोगों ने कहा था कि आप जीत के जाएंगे तो हमारी इस मांग को रखिए। उसके बाद लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क के माध्यम से या लोग मिलते थे, तो हमने शुरू से ये मांग सरकार के सामने प्रमुखता से रखा और हमने कन्विंस करने का सरकार को प्रयास किया। इसमें मुझे समय जरूर लगा, लेकिन अंत में हमारी बातों से सरकार संतुष्ट हुई, और जो मांग हमारी थी कि वार्ड सदस्यों को भी काम करने का अधिकार, अपने अपने वार्ड में विकास की योजनाओं को करने का अधिकार मिले, इसको 2015 में सरकार ने घोषणा किया, और 2016 में जो जनप्रतिनिधि जीत करके आए, जब पंचायत चुनाव हुआ, तो सभी वार्ड सदस्यों को कुछ न कुछ काम करने का अधिकार मिला। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि औसतन 25 लाख 30 लाख का काम हर वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में गली नली निश्चय योजना के अंतर्गत किए हैं। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं मानता हूं, और इसको हमने कराने का काम किया। इस बार रजनीश कुमार जीत करके आते हैं तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए क्या कुछ करने वाले? देखिए, एक तो पंचायत प्रतिनिधियों का एक बड़ी मांग है, और मैं भी उस चीज से सहमत हूँ कि पंचायत, ग्राम पंचायत को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट किया जाए। ये 73वां संविधान में जो संशोधन हुआ उसकी परिकल्पना है, ये गांधी जी ग्राम स्वराज की जो बात, उनका सपना था, जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें भी पंचायती राज के बारे में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान में पंचायत का जो कॉन्सेप्ट दिया है, वह पंचायत स्वशासी आत्मनिर्भर पंचायत हो,
इस दिशा में सरकार भी प्रारंभ किया है। हम लोगों ने जब इस विषय पर बार बार सदन के अंदर रखने के कारण आज इस बात पर विचार हो रहा है कि पंचायत को अपना आय व्यय बजट जिसे सरकार बनाती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उस तरह से पंचायत सरकार को स्वायत्तता हो और सरकार की ओर से जो उसको मदद मिले, जिससे भारत सरकार बिहार सरकार को मदद करती है अनुदान के रूप में, केंद्रीय अनुदान के रूप में, इस तरह बिहार सरकार पंचायत को अनुदान के रूप में मदद करे और पंचायत को पूरी स्वायत्तता, उस पंचायत में जितना भी काम या सरकार का योजना आए। आज देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना आज पंचायत में आ रहा है, लेकिन पंचायत के प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं है उसको तय करने में, किसको मिलना चाहिए, किसको पहले मिलना चाहिए, किसको बाद में मिलना चाहिए, इस पर कोई मुखिया समिति वार्ड को कोई अधिकार नहीं है। हम सरकार से यह पहल कर रहे हैं कि ऐसी तमाम योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पेंशन योजना हो, राशन कार्ड से जो लोग छूट गए हैं उनका नाम बना जोड़ने का सवाल हो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो, कोविड अंत्येष्टि योजना, तमाम इस तरह की जितनी योजनाएं पंचायत में लागू है, चाहे वह भारत सरकार के पैसे से है या चाहे राज्य सरकार के पैसे से है, वो सारी योजनाओं का संचालन और अनुश्रवण ये पंचायती राज के प्रतिनिधि के माध्यम से और तीनों स्तरों पर ये हो। ये हालांकि इस दिशा में काम शुरू हुआ है आज से 10 साल पहले, रविकांत जी आप देखिए तो आज एक पंचायत को क्या मिलता था, 2-4 लाख रुपया साल में मिलता था और मुखिया उतना नहीं काम करते थे। मैंने कहा आपको वार्ड सदस्यों को कुछ काम करने का अधिकार नहीं था, पंचायत समिति और जिला परिषद को भी ले दे करके 2-5 लाख साल में मिलता था। आज के दिन में देखिए एक एक पंचायत को 2-2 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया आ रहा है और पंचायत उसको वार्ड सदस्य के माध्यम से काम कर रहा है। रजनीश जी, जो आपके विरोधी हैं या जो आपके जो है सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम बात करें लगातार आपसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो जनप्रतिनिधि की सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। हाल के ही दिनों में मनोहर यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधि असुरक्षित हैं, उनको उनके लिए आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो आपके सामने वाले जो भी प्रतिद्वंदी हैं आपके, बोला उनको ये पता नहीं है कि बेगूसराय खगड़िया ही नहीं बिहार में जब कभी किसी पंचायत प्रतिनिधि पर हमले हुए या उनकी हत्या हो गई और मैं सदन में रहा, तो चलते सदन में हमने उस सवाल को मजबूती के सामने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया कि औरंगाबाद में, भागलपुर में, सहरसा में, जहां कहीं भी इस तरह की घटना घटती थी, हाँ कटिहार में, जहां भी कहीं घटना घटती थी, तो हम सदन में खड़े होकर के, चाहे मैं, हम तो सत्ता पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, दोनों परिस्थितियों में हमने सरकार को संज्ञान में दिला करके ध्यान आकृष्ट कराता था। और ये जो सुरक्षा का सवाल आज लोग उठा रहे हैं, कैसे लोग उठा रहे हैं, वो स्वयं कैसे लोग हैं, वो अपना रिकॉर्ड देखें, पंचायत प्रतिनिधियों को शोषण करने वाले लोग, पंचायत प्रतिनिधियों का दोहन करने वाले लोग, उनको फंसाने वाले लोग, केस में आज दर्जन भर खगड़िया के पंचायत प्रतिनिधि आज केस में फंसे हुए हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं और उनको फंसाने वाले लोग ही आज उनके सामने उनको सम्मान कर रहे हैं और उनका वोट मांगने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग को ये हक नहीं है कि वो बात करे। सुरक्षा पर सरकार गंभीर है और आपको पता है और मैं दोहराना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है और हाल में भी और ये जारी हुआ है निर्देश कलेक्टर को, एसपी को जिले में, कि अगर किसी पंचायती राज प्रतिनिधि को, मुखिया को, समिति को, जिला पार्षद को, किसी को भी अगर लगता है कि उसकी जान पर खतरा है, सुरक्षा का सवाल है, तो उसको तुरंत अंगरक्षक मुहैया कराया जाए और जो चाहते हैं स्थायी रूप से जो आर्म्स की का लाइसेंस लेना, अनुज्ञप्ति लेना, उसको तुरंत अनुज्ञप्ति दिया जाए। इस बार तो हम जाएंगे जीत के सदन में, तो हम ये है संकल्पित कि इस बात के लिए हम सरकार से दो बात करेंगे सुरक्षा के सवाल पर। एक तो पंचायत प्रतिनिधियों को उनको अंगरक्षक मुहैया कराया जाए कम से कम एक विधायक की तरह, नंबर एक। नंबर दो कि उनको जो शस्त्र अनुज्ञप्ति लेने की जो एक लंबी और बड़ी कठिन प्रक्रिया है उसको शिथिल कर दिया जाए और संक्षिप्त करके एक समयबद्ध अवधि में मुखिया या ऐसे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके लाइसेंस के आवेदन का जो निस्तारण है वह एक संक्षिप्त अवधि में तुरंत जांच करके कि अगर ये उचित है देना कि नहीं है और उनको सस्वीकृति दिया जाए, इस पर हम सरकार से इस बार करने वाले हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे लगातार 2 बार से MLC रहे और इस बार भी जो है चुनावी मैदान में है, NDA के प्रत्याशी हैं, रजनीश कुमार जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अब तो जितने जीत कर आने वाले जनप्रतिनिधियों को ही तय करना है कि वो किनके साथ जाना पसंद करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल तमाम अपने अपने वादों को लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान में
जुटे हुए हैं, जो कि 4 अप्रैल को मतदान होने हैं, उसके बाद 7 को परिणाम आने हैं। बहरहाल अब तक तो इतना ही, धन्यवाद।